प्यारी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो देखिए, आज हम आपको इस तरह की कलियों वाला डोरमेट बनाना बताएंगे, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये साड़ियों के बचे हुए टुकड़ों से भी बनाया जा सकता है। इसे बनाने से पहले हम इसके पैटर्न को समझेंगे, ताकि हमें जब इसे बनाना होगा तो ये जब हमारी समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है बनना, इसकी कली बनी है पहले या फिर ये चौकोर बॉक्स, इस तरह से जब हम इसके पैटर्न को समझ लेंगे तो ये हमारे जल्दी से समझ में आ जाएगा बनाने के लिए। तो इसीलिए हम आपको ये पहले इसका पैटर्न समझाते हैं कि ये किस तरह से बनाया है और फिर हम इसे बनाना सिखाएंगे। तो चलिए इसके पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, एक इस तरह से राउंड में ये कलियाँ बनी हैं अलग अलग रंगों की, और ये जो किनारे पर ये बॉक्स टाइप के बनाए हैं ये एक ही रंग के बनाए हैं। तो मैं आपको यही बात बताने वाली थी कि जो आपके पास साड़ियों की पट्टियाँ हैं या कोई भी कलर है, तो वो ज़्यादा कलर हो उसे आप ये जो राउंड में बनाए गए चौकोर बॉक्स हैं उसे बनाइए, ताकि ये पूरे बन जाएंगे। और ये कलियाँ तो थोड़े से कम स्ट्रिप होंगी तब भी उससे बन जाएंगी, ठीक है? तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब इसका पैटर्न देखिए कैसे बनाया है। एक कली बनाई है ये और फिर ये चौकोर बॉक्स, यानी एक रंगीन वाली ये कली और उसके बाद में फिर हमें ये आधे फंदों में बॉक्स बनाना, आधे फंदों में कली आधे फंदों में बॉक्स बनाना है। इस तरह से ये हमने आधे आधे फंदे करके इस पैटर्न को हमने बनाया है। अब देखिए, ये आधा मैंने बनाकर तैयार किया है, ये चार कलियाँ मैंने बनाई हैं और चार इसके साथ ही बॉक्स बन गए हैं। अब ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये शुरू होगा। ये मेरी फंदे वाली लाइन है जहाँ पर मैंने इसके फंदे डाले हैं, ये 32 फंदे मैंने यहाँ से डाले हैं ये। अब मैं आपको नाप कर बताती हूँ कि ये 32 फंदों में कितना चौड़ा बन जाएगा। देखिए, 32 फंदों में ये 10 इंच लगभग चौड़ाई का बनेगा इसकी एक कली। तो राउंड में जाएगा तो ये ठीक मीडियम साइज़ का हो जाएगा। यदि आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप अंदाजे से इसके एक दो इंच में 5-6 फंदे इस तरह से बढ़ा लीजिए, ताकि इससे आप बड़ा भी बना सकते हैं। तो चलिए, अब इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 9 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं और साड़ी की वो वाला कलर लिया है पट्टी का जिससे हमें कली बनानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें ये फंदे शुरू करने हैं उसी कलर से जिससे हमें इसकी कलियाँ बनानी है, और जो चौकोर बॉक्स है ना जो ऑरेंज कलर का, उस कलर से फंदे नहीं डालने। तो आप इस तरह से फंदे डाल लीजिए, जितने आपको फंदे चाहिए उतने हम फंदे डाल लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 20 फंदे डाल लिए हैं। ये मैं आपको 20 फंदों में यही पैटर्न बना के बताऊंगी। अब देखिए, ये स्टार्टिंग से ही है बिल्कुल। पहला फंदा हमें उतार लेना है बिना बुने, उसके बाद में सभी फंदों को हमें उल्टी उल्टी रो में ही बुनते जाना है इस तरह से। ये हमारी पहली रो है जिसमें हमें उल्टे फंदे बुनते जाना है, और यहाँ तक हम लास्ट तक बुनेंगे इसे, बस एक फंदा बिना बुना छोड़ देंगे लास्ट में। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में छोड़ा है उसी तरह से हम बुनते हुए जाएंगे, और जो किनारे पे फंदा आएगा उसे भी बिना बुने छोड़ देंगे। बीच के सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते लाएंगे, और यहाँ किनारे पे आकर एक फंदे को हमें फिर से छोड़ना है बिना बुने। यहाँ पे छोड़ा था एक और एक इधर, यानी दोनों साइड से हमें एक एक फंदे बिना बुने छोड़ते हुए और धागे को वापस करके फिर से बुनने लगना है। ये हुआ इसकी कली बनाने का पैटर्न। अब इसी को हम बार बार दोहराएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये कम होते जा रहे हैं ना फंदे इस वाली कली के ये किनारे से। तो यही एक एक फंदे को हमने यहाँ से छोड़ते हुए ले गए हैं दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। तो इस तरह से ये यहाँ पर आएगी तो एक फंदा हमारे पास बचेगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमने एक छोड़ दिया, धागा घुमा लिया और बाकी सभी फंदों को
उल्टा उल्टा ही बुन देना है। आगे की साइड से और पीछे की साइड से उल्टा उल्टा ही बुनना है इसे। अब देखिए यहाँ पर हम बुनते हुए आ गए हैं। यह हमारा एक फंदा यहाँ से भी छूट गया है। अब हम दूसरी रो में आ गए इसके। उसके बाद में पीछे से भी हमने उल्टी तरफ से भी इसे ऐसे ही बुनना स्टार्ट कर दिया है। यानी जब हम इसे बनाएंगे तो एक फंदा तो हमारा उल्टी साइड से छूट जाता है, ये उल्टी साइड है। देखिए अब हम जिधर भी जा रहे हैं उधर की साइड से ही बुनते हुए में ही छोड़ देंगे। पहले एक छोड़ा था, अब दो छोड़ दिए। अब इधर सीधी साइड में हमने एक ही छोड़ पाया है अभी, तो अब हम इधर से बुनेंगे तब एक और छोड़ देंगे। यानी एक फंदा इस सिलाई में उधर की साइड से, अब एक यहाँ पर छोड़ देंगे। इस तरह से एक एक कम होता जाएगा बिना बुने, लेकिन फंदे तो उतने ही रहेंगे पर वो बिना बुने छूटने हैं। तो इस तरह से बनाते हुए ये एक ट्रायंगल बन जाएगा पूरा। आप देखिए और इसे आराम से समझिए। यहाँ पे देखिए हम लास्ट में आ गए और यहाँ पे एक और फंदा हमने छोड़ दिया है। इस तरह से दो दो दोनों साइड में हो गए। अब इसी तरह से हम हर एक सिलाई में एक एक फंदा इधर से और एक इधर से छोड़ते जाएंगे और ये ट्रायंगल शेप में बनता जाएगा। तो इस तरह से हम ये देखिए हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से छोड़ते हुए इसको पूरा कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे दोनों, ये देखिए आधे फंदे इस वाली सिलाई में आ गए हैं और आधे फंदे इसमें आ गए, यानी कि दोनों सिलाइयों में हमारे बराबर फंदे हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से इधर वाले को तो हमें ऐसे ही रहने देना है, जहाँ पे एक साइड के फंदों को हमें नहीं बुनना है, एक साइड को बुनना है। ये वाला हम छोड़ देंगे यहीं पे धागा और नया धागा यहाँ से ऐड कर लेंगे। ठीक है, हमने ये पीला धागा यहीं पे छोड़ दिया है और ये दूसरा जो फंदा है, बराबर फंदे हैं दोनों में, ये इधर बराबर हैं, मतलब अगर 20 डालें तो 10 इधर हैं 10 इधर हैं, तो इन 10 को हम अभी बनाएंगे ये ऑरेंज कलर का बॉक्स। ठीक है, तो इन्हीं को सिर्फ हम बनाएंगे। अभी वो वाले 10 हमने छोड़ दिए हैं। ये देखिए इसमें हमने ऑरेंज कलर को जोड़ दिया है और बस सादा सादा उल्टा उल्टा बनाने लगना है। अभी उल्टी तरफ से धागा जोड़ रहे हैं तो हमें इस वाली सिलाई में, इसमें रो में कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही फंदे कलर चेंज करके बुनते जाना है। और ये तो हमें इसकी स्ट्रिप को ऐसे घुमा के लगा लेना है ताकि ये धागा निकला हुआ नहीं दिखे। ये उल्टी साइड से ये आधे फंदे छूटे हुए वाले हैं और आधे बनाए जा रहे हैं। इधर से सीधी साइड से देखेंगे इसे, ये किनारी वाली साइड है जिसे हमें एक फंदा उतार के ही चलना है। तो ये सभी पूरी किनारी बनती जाएगी ऐसे ही। ये किनारे पे चेन बनाने के लिए हमने एक फंदे को सीधी तरफ से उतारना है जिसे हमने उल्टी तरफ से बुनाया है। बाकी सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। किनारे की साइड से बुनते हुए जाना है, कोई फंदा नहीं छोड़ा है हमें। इसमें इधर की साइड बुनते हुए जाना है, उल्टा उल्टा ही बुनना है। और यहाँ पे लास्ट में आकर के हमें एक फंदा बिना बुने छोड़ना है। अभी जैसे हम ट्रायंगल बनाया था उसमें दोनों तरफ से छोड़ रहे थे, अब इसमें हमें एक तरफ से छोड़ना है। ये एक फंदा यहाँ पे छोड़ा और इसे धागे को घुमाया, पलट लिया और ये उल्टी साइड से कुछ नहीं करना है, इसे बना देना है। ठीक है, इधर के फंदे तो
वैसे ही है सिलाई में। अगर ये बुनने में दिक्कत दे रहे हैं तब हम क्या करेंगे, इस सिलाई को निकाल लेंगे और एक दूसरी नई सिलाई ले लेंगे या फिर पिन ले लेंगे, जिसे हम इधर से उल्टा करके यूं करके फंसा देंगे ताकि ये फंदे बने रहेंगे हमारे इसमें और हम उधर वाले फंदों को ऑरेंज वालों को ईज़िली बना लेंगे, ताकि हम ये ऐसा कर रहे हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा सिलाई है तो आप इसे इस तरह से फंसा लीजिए और इसको फिर इससे बना दीजिए, ठीक है। किसी भी साइज़ की सिलाई हो उसे ऐसे फंसा दीजिए। आप पिन का भी यूज़ कर सकते हैं इसे फंसाने के लिए फंदों को। और फिर इधर से एक वो जो छोटा छूटा हुआ फंदा था उसे छोड़कर बाकी सभी को हमें बनाते जाना है, ठीक है। ये उल्टी तरफ से है, बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत ईजी है ये। यहाँ पर बस हमें यही ध्यान रखना है कि जहाँ पर ये फंदे छोड़ने हैं कहाँ पर कलर बदलना है। ये चीज़ समझ में आ गई तो ये बनाने में बहुत ईजी हो जाएगा। बस हम कंफ्यूज यहीं हो जाते हैं कि किधर की साइड से फंदा छूटा है और किधर की साइड से हमने किनारी बनाई है। तो आप ये ध्यान से देख लीजिए, देखिए किनारी की तरफ से कुछ नहीं करना है। ये दूसरी रो में आ गए हम, किनारी की तरफ से एक फंदे को बुन छोड़ा और बाकी सबको बुनते लाना है। ये सिलाई उधर की है, ये देखिए इसको इस तरह से बुन लीजिए। दूसरी रो है यानी कि इस वाली रो में भी हमारा एक फंदा और छूट जाएगा। ये देखिए हमने बनाया, अब एक फंदा और बिना बुने छोड़ा, धागे को पीछे पलट दिया, ये सीधी तरफ से छोड़ना होता है, ठीक है। और इधर आ गए हम उल्टी रो में और उल्टी तरफ से जहाँ से छोड़ा है वहीं से मोड़ करके जो फंदे हैं इस सिलाई में उसे हमने उल्टा उल्टा बना लिया। उल्टी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे बनाइए। आगे की सभी कलियाँ वो लाइन सॉरी इस तरह से आप एक एक फंदे को सेंटर की तरफ से, ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके मैं छोड़ती हुई यहाँ तक लाना है। ये जितने भी फंदे आपने डाले हो उन सबको एक एक करके छोड़ते हुए लाओ यहाँ तक। हम दो फंदे तक पहुँच गए हैं बुनते हुए इसी तरह से। उसके बाद में क्या करना है, ये एक फंदा हमारा वो भी हमने उल्टी तरफ से बुन लिया है। अब हमारे सारे फंदे यहाँ पे पूरे हो गए हैं, एक एक करके हमने सभी फंदों को छोड़ दिया। अब क्या करना है, यहाँ से ये हमारा आधा बन के तैयार हो गया है, आधा त्रिभुज बन गया यहाँ तक। अब हमें ऊपर वाला आधा बनाना है, ये वाली लाइन है, ये वाली रो कैसे बनेंगी, ये वो यहाँ से फंदे जो हमने एक एक छोड़े थे वो एक एक करके इन सिलाइयों में हम ऐसे बनाते जाएंगे, बुनते जाएंगे। तो आप देख लीजिए कैसे बनाने हैं, वो यहीं से शुरू हो जाएगा। जब एक फंदा रह गया था उसके बाद में हम इधर की साइड आ गए सीधे की, अब वो हमें एक फंदा फिर से बुन लेना है, देखिए। और फिर से उल्टी तरफ से वैसे ही बुनना है। अब की बार में ये फंदा एक एक हमारा बढ़ता जा रहा है, बुनते हुए बढ़ने का मतलब है उसी में जुड़ता हुआ जा रहा है। पीछे की साइड से तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम आगे से छोड़ रहे थे ऐसे ही हम इधर की साइड से अब एक एक फंदे को अब लेते जा रहे हैं। अब दो ले लिए, अब इस वाली सिलाई में एक और ले लेंगे। ये वाला हमने बुन लिया और इसके बाद में एक और जो छूटा हुआ था उसको भी बुन लेना है। ये देखिए बुन लिया इस तरह से ही हमें। अब तीन के बाद में धागे को उधर कर देंगे। ऐसे ही जब एक फंदा एक्स्ट्रा बुन लेंगे ना वो हम छोड़ा हुआ, उसके बाद में सिलाई को पलट के पीछे से भी वो रो पूरी कंप्लीट कर देंगे। जहाँ पे हम फंदे को लेंगे वहीं से धागे को मोड़ के और पीछे की साइड से बना देनी है पूरी लाइन ऐसे करके, है ना। अब इधर से आ गए, इधर से इन तीनों को लेंगे, साथ में एक और ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे बढ़ाते जाएंगे। एक फंदा बुना, दो फंदे, अब तीन फंदे ये छोड़ा हुआ हमने यहाँ से बुन लिया। अब फिर यहीं से धागे को पलट लेना है, बस यही करना है। एक फंदा लेते हैं जहाँ से एक्स्ट्रा, वहीं से धागे को पलट के पीछे साइड से पूरी रो को बुन देना है। फिर आगे से इसी तरह से ये पूरा ट्रायंगल बनता जाएगा। तो आप ऐसे ही देख देख कर या फिर समझ में आ गया हो तो अपने आप इसे बना लीजिए। और जब ये पूरा हो जाएगा तो ये फंदे सारे हमारे यहाँ तक बन जाएंगे
और ये इसकी शेप बिल्कुल चौकोर बन जाएगी। चौकोर पायदान भी आप इस तरह से अलग से बना सकते हैं, और या फिर ये वाला इसी में जुड़ जाएगा। तो यहाँ तक आप पूरे फंदे को बना लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी फंदे एक एक करके यहाँ तक बना लिए हैं, तो ये इस तरह से दिखने लग जाएगा। और ये पूरा कंप्लीट हो गया, यानी हमने ऑरेंज के जितने आधे वो फंदे थे वो सब बना लिए। अब देखिए, ये जो सिलाई में हमने पहले फंदे भरे हुए थे ना, ये येलो वाले, इस वाले को हम निकाल लेंगे, और जो बुनने वाली हमारी सिलाई है उसी में हम इन्हें डाल लेंगे फिर से, क्योंकि अब हम इन फंदों को बनाएंगे ना, इसीलिए इधर से हमने ये डाल लिया है। और ये पीछे की साइड से ये देखो, ये हमारे यहाँ पे ये बन के ख़त्म हुआ कलर। अब हमें ये पीछे से धागा छूटा हुआ है हमारा ऑरेंज वाला, और ये येलो वाला पहले से है, उसको हम क्रॉस करा के आगे की साइड लाएंगे, और ये वाले सारे येलो कलर के जो फंदे हैं वो हम येलो कलर से बना देंगे। और इस तरह से क्रॉस कराने से यहाँ पे गैप नहीं आएगा, और ये इधर के ये फंदे हमें येलो कलर से ही बना देने हैं। ये पहले से छूटा हुआ हमारा ये जो येलो कलर का धागा था वही हम आगे की साइड में ले आए हैं पीछे से, और उससे हमने ये बना दिया है। और सिलाई को चेंज करा था, बस ये पूरा हमारा यहाँ पे एक लीफ ये वाला पैटर्न इतना पूरा बन के तैयार हो गया है। अब हम देखेंगे कि ये वाली कली यहाँ से स्टार्ट होगी फिर से, तो उल्टी तरफ से आ गए हैं हम। यहाँ पे जो येलो कलर है, अब हमें जो पत्ती का कलर है वही जोड़ देना है, जिस कलर की हमें ये बीच की जो कलियाँ हैं वो बनानी है वो यहाँ से चेंज कर देना है। ये कलर पूरा हमें यहाँ पे चेंज करना है, और इसी रंग से सभी फंदों को बना देना है, फिर ये वाली लाइन हमारी यहाँ से फिर से बनना शुरू हो जाएगी। देखिए, और दूसरा कलर हमने यहाँ पे जोड़ लिया है, और ये येलो कलर है, इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। और बनाते समय ये येलो कलर का जो बचा हुआ धागा है उसे हम साड़ी की पट्टी को इसी में राउंड राउंड लपेट देंगे और बुन देंगे, ताकि ये निकलेगा नहीं बाहर, ये सेंटर की तरफ से हम बुनते हुए ले जा रहे हैं। और ये उल्टी तरफ से ही हमें जोड़ना होता है। ये नई कली हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये पूरे फंदे हमें अब बनाने हैं इस कलर से। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ये जो बचा हुआ ऑरेंज कलर का धागा उसे थोड़ा खींच करके हम यहाँ पे इसको भी लपेट करके बंद कर देंगे, तो यहाँ पे भी ये नहीं दिखेगा धागा। इस तरह से जब आप ये ऑरेंज कलर को छोड़ेंगे ना यहाँ पे कट करके, तो ऐसे ही ये भी लपेट करके यहीं पे बुन दीजिए, ताकि ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ से शुरू हुआ है। धागा सभी हमें लपेट कर इसी में लगाते जाना है, ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और ये आगे के सभी फंदे ऑरेंज वाले भी हमें इसी कलर से बुन देने हैं। ये उल्टी रो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है पीछे की साइड से, और ये धागा हमने जोड़ा है। और ये नई कली देखिए इधर से स्टार्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे फिर से वही पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक एक फंदा दोनों तरफ से बिना बुने छोड़ते जाना है। फिर आधा ट्रायंगल बन जाएगा ये, फिर उसमें से हमें आधे फंदे कर करके फिर यहाँ पे ये चौकोर बॉक्स बनाना है ऑरेंज वाला। इस तरह से ये आगे की कलियाँ फिर से दोहराते जाएंगे, और ये ऐसे ही बनती जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए, मैंने इसी तरह से इसकी सारी कलियाँ बनाई हैं, और ये यहाँ पे पूरा हो गया है। अब यहाँ पे भी एक नई कली जोड़ने को है, तो यहाँ पे भी ये धागा कट करके हम यहाँ पे जोड़ लेंगे दूसरा जो भी कलर होगा वो, और इसी तरह से इसे आगे बना लेंगे।
बनाते हुए जब ये गोल गोल राउंड में इसकी जितनी कलियां बने, वैसे 8 कलियां बनेंगी, तो 8 कलियां कंप्लीट कर लेंगे हम यहाँ पे इसे बना के। उसके बाद में ये पूरा राउंड बन जाएगा इस तरह से। तो आप इसे बनाएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।